हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न करिकुलम थ्योरी। तो मॉडर्न करिकुलम थ्योरी आखिर में कौन सी थ्योरी है, किसने इसको दिया है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, अगर हम ये बात करें कि कौन था फाउंडर मॉडर्न करिकुलम थ्योरी का या कौन फादर है मॉडर्न करिकुलम थ्योरी का, तो उनका नाम था फ्रैंकलिन बॉबिट। फ्रैंकलिन बॉबिट ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम उन्होंने दिया था मॉडर्न करिकुलम थ्योरी। तो पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फ्रैंकलिन बॉबिट क्या थे, कौन थे और इनको कैसे इन्फ्लुएंस मिला कि ये पर्टिकुलर फील्ड में वो उन्होंने रिसर्च करी और थ्योरीज़ दी। तो देखिए, फ्रैंकलिन बॉबिट यूएस के थे, ठीक है, एक रिसर्च स्कॉलर थे और उसके बाद वो काफ़ी पॉपुलर हुए। फिर उनको फिलीपींस गवर्नमेंट ने बुलाया अपनी करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए। तो उन्होंने यूएस करिकुलम को डिज़ाइन करने में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था और फाइनली उनको फिलीपींस में भी बुलाया गया। जब वो फिलीपींस गए तो वहाँ पे जब उन्होंने करिकुलम देखा तो उनको ये रियलाइज़ हुआ, मतलब जब एटमॉस्फेयर देखा तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यूएस वाला करिकुलम वो वहाँ पर नहीं लागू कर सकते हैं, नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनको रियलाइज़ हुआ कि जो सोसाइटी है, जो एटमॉस्फेयर है, उसका भी जो भी सोशल बैकग्राउंड है किसी कंट्री का, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है करिकुलम डिज़ाइन में। और फाइनली उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला था, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने पिक डाली है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखिए मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोशल एफिशिएंसी मूवमेंट, एजुकेशन इज प्राइमरली फॉर एडल्ट लाइफ, नॉट फॉर चाइल्ड लाइफ। इट्स फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर फॉर द 50 ईयर्स ऑफ अडल्टहुड, नॉट फॉर द 20 ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ। तो उन्होंने बेसिकली, पहले क्या था, पहले लोग ये समझते थे कि जो करिकुलम है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, उनके चाइल्डहुड और यूथ के लिए है। बट इन्होंने ये चीज़ बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एजुकेशन सिर्फ हमारी चाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है, हमारी एडल्ट लाइफ के लिए। हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें आगे चल के हमारी एडल्ट लाइफ में हेल्प करे। अब अगर एडल्ट लाइफ की हम बात करें तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो हमें हमारा सोशल कल्चरल जो बैकग्राउंड है उस पर बेस्ड हो, ठीक है, हमारी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड हो, साइंटिफिक हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पूरे रिसर्च में डाली। तो पहला जो उनका पर्पज़ था, पहला जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो उन्होंने बोला वोकेशन, ठीक है, ये वर्ड नहीं दिया, ये टर्म नहीं दिया, बट बेसिकली उसके बेसिस पे इन्होंने रिसर्च करी, ठीक है, कैसे करी इसको समझिए। हाउ वेल डज द करिकुलम प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लिविंग एज एडल्ट, उन्होंने ये बोला कि किस तरीके से करिकुलम हेल्प करता है, मतलब हमारा करिकुलम अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि ये करिकुलम किस तरीके से हमें एडल्ट लाइफ में या स्टूडेंट को एडल्ट लाइफ में किस तरीके से हेल्प करेगा। तो ये क्या है, वोकेशनल, अगर आप उनको नॉलेज देंगे, वोकेशनल करिकुलम बनाएंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। उनको ट्रेनिंग वाली नॉलेज देंगे तो ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि करिकुलम प्लानिंग, इन्होंने बोला हाउ आर स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोफिशिएंसी इन मीटिंग गोल्स, किस तरीके से क्या वो गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी होगी उसके बेसिस पे ही करिकुलम प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी करिकुलम बना दिया और स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी उसमें नहीं है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसमें नहीं है और ना ही वो उसमें मास्टरी कर पा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने क्या बोला, हाउ आर फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज बींग यूज, किस तरीके से फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज आप किस तरीके से दे रहे हैं। तो ये की एलिमेंट्स थे फ्रैंकलिन बॉबिट के मॉडर्न करिकुलम थ्योरी की। अब यहाँ पे मॉडर्न करिकुलम थ्योरी आपसे पूछा जाए, चाहे करिकुलम थ्योरी पूछा जाए या फ्रैंकलिन बॉबिट थ्योरी पूछा जाए, सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इन्होंने कोट किया था, इन्होंने क्या कोट किया था, इन्होंने कोट किया था लीडिंग फॉर रेस कोर्स और द रेस इट्सेल्फ अ प्लेस ऑफ डीड्स एज अप्लाइड टू एजुकेशन, इट इज़ दैट सीरीज ऑफ थिंग्स विच चिल्ड्रेन एंड यूथ मस्ट डू एंड एक्सपीरियंस बाय विच ऑफ डेवलपिंग एबिलिटीज टू डू द थिंग्स वेल दैट मेक्स अप द अफेयर्स ऑफ एडल्ट लाइफ। तो इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने ये बोला था कि हमें, जैसे जो इन्होंने कोट किया, लेटन फॉर रेस कोर्स और द रेस इट्सेल्फ, इनका कहने का मतलब ये था कि जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ से आपका करिकुलम डिराइव होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ का करिकुलम क्या है, आपके जो इंडियन कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या जो कल्चर है हमारा उससे डिराइव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यूएस का करिकुलम उठाकर इंडिया में लगा दोगे, क्योंकि दोनों ही जगह का
जो हमारी रेस है, जो हमारी एथनिसिटी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो रेस एंड एथनिसिटी की भी बात यहाँ पे इन्होंने करी. उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो प्लेस ऑफ डीड्स, मतलब बेसिकली इन्होंने ये बोला कि जो एजुकेशन है, ठीक है, वो ऐसे अप्लाई होना चाहिए कि जो चिल्ड्रेन और यूथ को उन एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार कर सके, उनकी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सके, ताकि वो अपने एडल्ट लाइफ के अफेयर्स को संभाल सकें. ठीक है, जो भी उनके एडल्ट लाइफ में होना है उन सारी चीज़ों को वो संभाल सके और उनको प्रिपेयर किया जाए कि वो अपनी एडल्ट लाइफ के लिए रेडी हो सके. ठीक है, ऐसा इनका मानना था. आगे बढ़ते हैं. द करिकुलम मे देयरफॉर बी डिफाइंड इन टू वेज. इन्होंने दो तरीके से करिकुलम को डिफाइन किया. पहला क्या बोला इन्होंने, इट इज़ द एंटायर रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस बोथ अनडायरेक्ट एंड डायरेक्टेड कंसर्न इन अनफोल्डिंग द एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल. इन्होंने बोला कि ऐसा करिकुलम क्या होता है, ऐसा रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है जिसमें डायरेक्ट भी होता है और अनडायरेक्ट भी चीज़ें होती हैं, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, मतलब इंडिविजुअल मतलब स्टूडेंट्स, उनकी एबिलिटीज़ को हम अनफोल्ड कर पाएँ, उनकी एबिलिटीज़ को हम बाहर निकाल पाएँ. ठीक है, ऐसे एक्सपीरियंसेस का मिश्रण जिसके थ्रू हम अनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, मतलब दोनों ही तरीके से जो स्टूडेंट हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनकी एबिलिटीज़ को बाहर निकाल सके या निखार सके. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला, इट इज़ द सीरीज ऑफ कॉन्शियसली डायरेक्टेड ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस दैट द स्कूल्स यूज फॉर कंप्लीटिंग एंड परफेक्टिंग द अनफोल्डमेंट. इन्होंने ये बोला कॉन्शियसली डायरेक्टेड होना चाहिए, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं इन्होंने बोला करिकुलम को, मतलब एक्सपीरियंसेस की बात इन्होंने नहीं करी है, डायरेक्ट जो चीज़ें हम देते हैं उसकी भी बात करी है इन्होंने. इन्होंने ये बोला है कि वो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो परफेक्ट होने चाहिए और कंप्लीशन के ऊपर होने चाहिए, ताकि जो उनकी एबिलिटीज़ है उनको और ज़्यादा अनफोल्ड किया जा सके. ये इन्होंने बोला, मतलब जो स्कूल्स हैं उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए स्टूडेंट्स को. ठीक है, कॉन्शियसली. तो आप, आई थिंक आप टर्म्स को समझ रहे हैं, आप चाहे तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं. कॉन्शियसली की बात करी इन्होंने, रेस की बात करी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने अनफोल्डमेंट ऑफ एबिलिटीज़ की बात करी. तो ये जो की एलिमेंट्स हैं ना, इनको ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं. चलिए, अब इनका की वर्क क्या था, क्या क्या इन्होंने मेन काम किया. तो इन्होंने द करिकुलम बुक दिया जो कि 1918 में आई थी, ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने बताया था कि कैसे करिकुलम को, कैसे करिकुलम, क्या करिकुलम होता है. ठीक है, 1918 में इन्होंने ये अपनी रिसर्च दी थी. उसके बाद इन्होंने हाउ टू मेक अ करिकुलम अपनी रिसर्च दी, जो कि बताया, जिसमें बताया इन्होंने कि करिकुलम को किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है. ठीक है, ये 1929 में आई थी. तो इस तरीके से इन्होंने बाद में अगर रिसर्चर्स को देखे जाए तो रिसर्च हुई इनकी थ्योरी पर, और इस तरीके से इनकी पूरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको निकाला गया, जिसमें इन स्कूल डायरेक्ट और अनडायरेक्ट की सारी चीज़ों को डिफाइन करके इस तरीके से करिकुलम को, मतलब इस तरीके से इनकी रिसर्च को रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि स्कूल में बोथ अनडायरेक्ट, मतलब इन्होंने इनडायरेक्ट नहीं अनडायरेक्ट वर्ड यूज़ किया है, इस वर्ड को, ये गलत वर्ड नहीं है, ये जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, बोथ अनडायरेक्ट एंड डायरेक्टेड, ये दोनों ही एक्सपीरियंसेस होते हैं स्कूल में. ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, प्रोग्मेटिक स्कूल करिकुलम होना चाहिए, इन्होंने बोला. ठीक है, डायरेक्टेड क्या होता है, डायरेक्टेड किस तरीके का बिहेवियर होगा, वो बिहेवियर होगा जो कि स्कूल में नहीं हो रहा है बट वो बाहर हो रहा है, या तो घर पे, या तो चर्च पे, या तो जो भी इन्होंने बास्केटबॉल लीग हो गई, इस तरीके के हो गए, म्यूजिक एंड डांस लेसन हो गए, ये इन्होंने बोला कि ये स्कूल में, मतलब इस तरीके का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए बट ये स्कूल में नहीं हो पाएगा, ये बाहर से जो उनका बाहर जो उनको मिल रहा है एक्सपीरियंस, उस तरीके का वो भी इन्फ्लुएंस करता है करिकुलम में. ठीक है, वो होता है आपका डायरेक्टेड. और इनडायरेक्टेड इन्होंने क्या बोला, जो इन स्कूल में होगा, इन स्कूल के बारे में इन्होंने बोला कि कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस विच पीपल आर ट्रांसफॉर्म बट नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्टेड और प्रोग्मेटिक स्कूल ऑफ करिकुलम, ये इन्होंने बोला. तो आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड. ठीक है, और यही, मतलब ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, इस पूरे इनके रिसर्च के, जो यहाँ पर मैं पिक्चर जो डाली हूँ, मैंने डाला है मैंने उसके ऊपर जो बेस्ड है. ठीक है, ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस इन स्कूल एंड डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, ये दो तरीके के एक्सपीरियंस की इन्होंने बात करी. तो ये था हमारा आज का पूरा लेसन. आई होप ये आपको बेनिफिशियल होगा. थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.